अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम फ्यूचर किंग स्टोरी की कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हैं। उसमें हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, विच डिसीजन डिड द किंग मेक टू चूज हिज हर? जो बादशाह है उसने क्यों अपना वारस जो है चुनने का फैसला किया? The king was growing old and wanted to select one prince as his heir to his throne. बादशाह जो है वो बूढ़ा हो रहा था और वो चाहता था कि अपने शहजादों में से एक को अपने तख्त का वारिस बनाए। One day the king called his sons in the backyard of his palace. एक दिन बादशाह ने अपने महल में अपने बेटों को तलब किया। He showed them to barren patches and told them to grow a garden there in 3 months. उसने अपने बेटों को दो बंजर टुकड़े ज़मीन के दिए और कहा कि 3 महीने में यहाँ पे एक बाग उगाओ। After 3 months when the king visited both gardens, he was surprised to see his younger son's hard work. 3 महीने के बाद जब उसने दोनों बाग जो है उनका मुआयना किया तो वो अपने छोटे बेटे के मेहनत को देखकर बहुत हैरान हुआ। He hugged him and crowned him as a king. उसने अपने बेटे को गले लगाया और उसको बादशाह का ताज पहना दिया। द यंगर सन्स ऑनेस्टी पेशेंस टॉलरेंस एंड हार्डवर्क अर्न्ड हिम द टाइटल ऑफ किंग एंड ऑल दीज क्वालिटीज आर नीडेड इन अ किंग और अ लीडर। उसके छोटे बेटे की मेहनत, उसकी जो है सच्चाई, उसकी बर्दाश्त जो है और उसका सब्र ये और उसकी मेहनत जो है उसको किंग का बनाने में मुआविन हुई और यही वो क्वालिटीज़ होती हैं, खूबियाँ होती हैं जो कि एक बादशाह एक लीडर में देखना चाहता था। तो दूसरा क्वेश्चन है, इन व्हाट वे डिड द यंगर प्रिंस प्लांट हिज गार्डन? छोटे बेटे ने अपना गार्डन जो है अपना बाग कैसे बोया? ऑन द अदर हैंड द यंगर वन हैड अ मीटिंग विद हिज गार्डनर। ही लिसन्ड टू हिज एडवाइस केयरफुली एंड अलाउड हिम टू ब्रिंग फ्रेश सीड इंस्टेड ऑफ स्मॉल प्लांट्स। द यंगर ब्रदर रियली वर्कड हार्ड ऑन हिज लैंड। ही डेली वॉटर्ड द न्यू सैपलिंग्स विच वर नाउ शोन आउट ऑफ द ग्राउंड। He took away all the harmful weeds and shrubs. He kept listening to his gardener's advices and with patience he completed these 3 months. ये पैराग्राफ हमें आता है तो इससे हमें ये बात पता चलती है कि सबसे पहले उसने माली से मीटिंग की, फिर उसने उसकी मशवरे को सुना और उस पर अमल किया, फिर उसने मेहनत की, उसने पानी दिया और उसके जो जंगली जड़ी बूटियाँ थी उनको उखाड़ फेंका और बहुत सब्र के साथ वो 3 महीने पूरे होने का इंतज़ार करता रहा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ही लिसन टू द एडवाइस ऑफ द गार्डनर। गार्डनर माली जो है था वो एक्सपर्ट था, उसने माली के मशवरे को सुना। ही वर्कड हार्ड और उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की। तो कोई भी काम करने के लिए प्यारे बच्चों ज़रूरी होता है कि हम जो अपने बड़े हैं उनके मशवरे पर अमल करें और फिर खुद मेहनत करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द एल्डर प्रिंस गॉट फेल इन प्लांटिंग अ प्रॉपर गार्डन? जो बड़ा शहजादा है वो एक बाग लगाने में क्यों कामयाब ना हुआ? हमें बुक में पता चलता है कि द एल्डर वन क्विकली ऑर्डर्ड हिज गार्डनर टू ब्रिंग लार्ज प्लांट्स ऑफ डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। उसने अपने माली को हुक्म दिया कि मुख्तलिफ पौधे ले आओ फलों के और सब्जियों के। द गार्डनर टोल्ड हिम टू बाय ओनली स्मॉल प्लांट्स आर सीड्स बट ही स्नब्ड एंड ऑर्डर्ड हिम टू डू सो एज डायरेक्टेड। जब माली ने उसके कहा कि आपको छोटे पौधे और बीज बोने चाहिए तो उसने माली को डांट दिया और कहा कि जैसा मैं तुम्हें कहता हूँ वैसा करो। विद इन अ फ्यू डेज द एल्डर वंस लैंड वॉज ऑल ग्रीन विद डिफरेंट प्लांट्स एंड सीड्स। फौरन ही उसकी पूरी जो ज़मीन है उसमें मुख्तलिफ पौधे और सब्जियां उग गई।
The elder prince was stubborn and not followed the advice of Garden. तो इससे पता चलता है कि जो elder prince था वो ज़िद्दी था और उसने अपने माली की मशवरे को नहीं फॉलो किया. ही टुक शॉर्टकट एंड अवॉइडेड प्रॉपर वे टू प्लांट अ गार्डन बिकॉज मच हार्ड वर्क वॉज नीडिड. उसने शॉर्टकट ढूंढा और मेहनत का रास्ता नहीं अपनाया तो इस वजह से वो फेल हो गया. तो प्यारे बच्चों, जो बड़ों की मशवरे पे अमल करता है और मेहनत का रास्ता इख्तियार करता है वो हमेशा कामयाब होता है. तो बड़े जो प्रिंस था उसने ना तो माली के मशवरे पे अमल किया और ना ही उसने मेहनत का रास्ता इख्तियार किया, इसलिए वो फेल हो गया. तो प्यारे बच्चों, आप इंग्लिश और उर्दू पढ़ना सीख रहे हैं, कुरान मजीद को तर्जमे से रोज़ पढ़ने की आदत बनाएं. यही बेहतरीन मशवरा हमें कुरान मजीद से ही मिलता है, अल्लाह की रहनुमाई मिलती है और हम दुनिया में भी कामयाबी हासिल करते हैं और आखरत में भी. उम्मीद है आपको सबक पसंद आया होगा. इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें.